जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और आप देख रहे हैं अतुल टेक बाजार। दोस्तों अगर आपको भी अपने मोबाइल में कुछ इस टाइप के कलर वाइज की थीम अप्लाई करनी है तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों यहां पे वीडियो शुरू करने से पहले अगर से आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि दोस्तों एक बहुत अच्छी थीम है और आपका जो मोबाइल है फुल्ली लोडेड कलर वाइज 6 हो जाएगा। दोस्तों इस थीम के बारे में हमारे एक सब्सक्राइबर मनोज निकुम ने मुझे बताया है और दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगी, जो आपको जियो ड्राइव की एक लिंक मिलेगी, वहां से आप एक फ़ाइल डाउनलोड कर लोगे और फाइल डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपके फ़ोन स्टोरेज में ये फ़ाइल आ जाएगी डाउनलोड फोल्डर के अंदर। तो दोस्तों आपको वहां से ओपन नहीं करनी है, यहां जाके आपको डाउनलोड फोल्डर में चले जाना है और यहां पे आपको थीम ColorOS 6 ATB.theme एक फाइल मिलेगी, इसे आपको यहाँ पे रन कर लेना है। और यहाँ पे दोस्तों आपको बहुत सारे इसके फीचर्स दिखाई दे जाएंगे और यहाँ पे आपको जो है ट्राई नाउ जो बटन है, ट्राई नाउ पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों सबसे पहले ऑप्शन की पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे दोस्तों आपकी जो थीम है सारे के सारे मोबाइल में अप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत ही प्यारा लुक है, मेरा जो मोबाइल है जिससे मैं यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो उतना कुछ खास नहीं है, बट आपको यकीन मानिए जब आप अपने मोबाइल में इस थीम को इंस्टॉल करोगे तो ये आपका जो मोबाइल है पूरा का पूरा ColorOS 6 में तब्दील हो जाएगा। आपके जो सारे के सारे जो आइकॉन है उसके जो डिफ़ॉल्ट आइकॉन है जैसे कि जो सिस्टम के हैं उसका जो लुक्स चेंज हो जाएगा, आप देख सकते हैं मैसेजिंग ऐप्स का। और यहाँ पे जो आपके दूसरे भी आइकॉन है उसका जो शेप है वो सर्कल हो जाएगा और बहुत सारे चेंजेस दिख जाएंगे। तो दोस्तों फुल्ली अप्लाई करने के लिए आपको क्या है, आपका जो मोबाइल है उसको रिस्टार्ट एक बार कर लेना है। उसके बाद दोस्तों जब आपका जो मोबाइल स्टार्ट होगा तो यहाँ पे फुल्ली अप्लाई थीम हो जाएगी। आप देख सकते हो ऊपर की तरफ जो घड़ी दिख रही है आपको, वो भी उसका भी जो डिस्प्ले है वो ColorOS 6 की तरह है। और जो डायलिंग पैड है दोस्तों ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इवन जो ColorOS 6 है जो Realme 3 में मैं यूज़ कर रहा हूँ उसमें भी मैंने बताया था कि जो ऑप्शन है कॉन्टेक्ट का और फ़ोन का वो ऊपर की तरफ है और यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। आप देख, मैं जो आपको लेफ्ट साइड दिखा रहा हूँ वो ColorOS 6 जो Realme 3 में है उसका जो डायल पैड है, और वो ये जो है जो आपको राइट साइड में दिख रहा है ये अभी जो थीम है इसका डायल पैड है। और काफ़ी कुछ लुक बहुत ही अच्छा दिखता है जो अभी मैं थीम अप्लाई आपको बता रहा हूँ उसमें। तो जो ColorOS 6 का ओरिजिनल डायल पैड है उसमें जो दोस्तों फ़ोन के जो कॉन्टेक्ट्स ऊपर की तरफ है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन यहाँ पे जो थीम वाला जो मैंने आपको बताया ऑप्शन, ये बहुत ही प्यारा दिखता है लुक इसका। और अगर आप यहाँ पे डायल करते हैं कोई नंबर तो बहुत ही अच्छा प्यारा सा लुक आता है। यहाँ पे जो आपका मोबाइल है दोस्तों पिंक कलर का लुक देता है और जो थीम है आपके सारे के सारे मोबाइल में अप्लाई हो जाती है। तो इसका जो डायलिंग पैड है वो मुझे काफ़ी अच्छा और अट्रैक्टिव लगा। और यहाँ पे अगर मैसेजिंग पे बात करेंगे तो मैसेज भी यहाँ पे चेंज हो चुके हैं, यहाँ पे आइकॉन्स इसके चेंज हो चुके हैं, लुक्स भी काफ़ी चेंज हो चुका है। अब अगर दोस्तों मैं कुछ सेटिंग में जाके दिखा दूँ तो सेटिंग के भी जो ऑप्शंस है काफ़ी चेंजेस हुए हैं। यहाँ पर ऑप्शंस नहीं हुए हैं एक्चुअल में, इसके जो आइकॉन्स है वो काफ़ी कुछ चेंजेस आपको दिखेगा। यहाँ पे राउंडेबल आपको स्क्वायर में दिखेगा और काफ़ी कुछ लुक चेंज दिखेगा। और अगर आप सॉफ्टवेयर में जाओगे तो आपको यहाँ पे भी दोस्तों जो आपको लुक दिखेगा ColorOS 6 ही दिखेगा। तो ये भी काफ़ी कुछ चेंजेस यहाँ पे हो जाता है इस थीम को अप्लाई करने के बाद। अब चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों नोटिफिकेशन पैनल वाले चीज़ की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो नोटिफिकेशन पैनल है वो काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है। यहाँ पे बिल्कुल तो नहीं बोलूँगा लेकिन ColorOS 6 जैसा हो गया है, इवन बेटर भी हो गया है उससे मेरे अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे एक थीम मैंने पहले भी बताई थी इस टाइप की, बट ये जो थीम स्टोर है यहाँ पे ये मुझे अच्छा लगा ColorOS 6 का, क्योंकि इसमें जो डायल पैड है वो भी काफ़ी अच्छा दिखता है और यहाँ पे जो नोटिफिकेशन पैनल है वो भी अच्छा दिखता है और यहाँ पे मैसेजिंग में भी बहुत से चेंजेस हुए हैं। तो ये मुझे काफ़ी कुछ अच्छा लगा मैंने पहले जो बताया था उस थीम से। और यहाँ पे अगर मैं फोकस करूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो सेटिंग का ऑप्शन है सेम वैसा ही दिखता है जैसे कि ColorOS 6 में दिखता है। और अगर आप नेविगेशन की के बारे में बात करेंगे तो नेविगेशन की भी वैसा ही लुक हो गया है जैसा कि ColorOS 6 एंड्रॉयड पाई के साथ होता है। तो यहाँ पे जो है आपका मोबाइल है फुली लोडेड वैसे ही हो गया है, ऊपर की टाइमिंग भी वैसी ही हो गई है और जो वॉलपेपर है वो भी काफ़ी कुछ अच्छे से चेंज हो गया है। और यहाँ पे बहुत सारे जो आइकॉन्स है जैसे हाइपर बूस्ट का आप देख लोगे जैसे कि ColorOS 6 में है वैसा ही यहाँ पर हो गया है।
इस थीम को अप्लाई करने के बाद जो आपका व्हाट्सएप है दोस्तों, व्हाट्सएप का भी लुक्स काफ़ी कुछ चेंजेस हो जाएगा। ऊपर की तरफ आपको ब्लू पट्टी दिखाई देगी और ये जो लुक्स है काफ़ी कुछ बेटर और स्मूथ दिखेगा आपके जो ओरिजिनल व्हाट्सएप है उससे। तो यहाँ पे ये भी चेंजेस आपको देखने को मिलेगा इस थीम को अप्लाई करने के साथ साथ। तो फिर दोस्तों फटाफट से डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए, क्लिक करिए और ये जो थीम है ColorOS 6 की अप्लाई कर लीजिए अपने मोबाइल में। और जब तक ColorOS 6 का ओरिजिनल अपडेट आपके मोबाइल में नहीं आता है तब तक आप इस थीम को एंजॉय कर सकते हो। यकीन मानिए आपका जो मोबाइल है सेम टू सेम ColorOS 6 एंड्रॉयड पाई आपको लगेगा। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बोलते रहिए वंदे मातरम।